बच्चों आज हम लोग देखेंगे जो हम लोगों का चल रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर जो एमसीक्यू बेस का जो एग्जाम होना है पीटीई का उसमें यह बहुत ही लाभप्रद होगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग, आज हम लोग देखेंगे पेंच की चूड़ियां स्क्रू थ्रेड। पेंच की चूड़ियां आज होगा हम लोगों का पेंच की चूड़ियां। पेंच की चूड़ियां, पेंच की चूड़ियां स्क्रू थ्रेड कहते हैं। स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड्स, इसमें हम लोगों का चल रहा है आज इस चैप्टर से पेंच की चूड़ियां या स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड से हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर। क्या होंगे शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर ये हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर वन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि लिखा है चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। चूड़ियों से संबंधित क्वेश्चन है, चूड़ियों से संबंधित, चूड़ियों से संबंधित चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को निम्नलिखित चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को निम्नलिखित शब्दों को शब्दों को चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें, परिभाषित करें, परिभाषित करें। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मूल सेकंड है शिखर और थर्ड है पार्स। इसके इंग्लिश रूट, रूट शिखर क्रिस्ट सी आर ई एस टी क्रिस्ट और पार्स फ्लैंग एफ एल ए एन के फ्लैंग। क्वेश्चन है ये कि चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें, चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। वो शब्द कौन कौन से हैं? वो शब्द है मूल यानी कि रूट है, शिखर
क्रेस्ट है और पार्स यानी कि फ्लैंक है, पार्स यानी कि फ्लैंक है, ठीक। अब इसे हमें परिभाषित करना है, जो हमें ड्राइंगों में हमारे ये सब रहते हैं, जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं इसमें ये सब ये फ्लैंक पार्स रूट ये सभी रहते हैं। तो वही हमें यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा है रूट है, कौन सा शिखर है, कौन सा फ्लैंक है, कौन सा फ्लैंक है, उसके बारे में हमें बताना है। आंसर देते हैं, आंसर सबसे पहले लिखते हैं आंसर मूल का यानी कि फर्स्ट का यानी कि मूल, जिसको रूट कहते हैं। क्या लिखा है, चूड़ियों के सबसे भीतरी भाग को, चूड़ियों के सबसे भीतरी भाग को सबसे भीतरी भाग को चूड़ियों का मूल कहते हैं, भीतरी भाग को चूड़ियों का मूल कहते हैं, चूड़ियों का मूल कहते हैं, चूड़ियों का मूल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि चूड़ियों के सबसे भीतरी भाग को चूड़ियों का मूल कहते हैं, फर्स्ट हो गया। सेकंड पे हम लोग आते हैं, क्या है कि शिखर, शिखर यानी कि क्रिस्ट, सी आर ई एस टी क्रिस्ट, ये क्या है चूड़ियों के सबसे बाहरी भाग को चूड़ियों का शिखर कहते हैं, चूड़ियों के सबसे बाहरी भाग को, बाहरी भाग को चूड़ियों का शिखर कहते हैं, चूड़ियों का शिखर कहते, चूड़ियों का शिखर कहते हैं, यह हो गया। अब पार्श्व किसे कहते हैं, पार्श्व किसे कहते हैं उसे देखते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्या है, थर्ड पार्श्व, इसको फ्लैंक कहते हैं, इसको फ्लैंक कहते हैं,
मूल और शिखर के बीच की सतह को, मूल और शिखर, मूल और शिखर के बीच की के मूल और शिखर के बीच की सतह की सतह को पार्श्व कहते हैं। मूल और शिखर के बीच को हम लोग क्या फ्लैंक कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों को थ्रेड के बारे में पढ़ाया जा रहा था, थ्रेड के बारे में पढ़ाया जा रहा था, ये पार्ट होता था, फिर ये यहाँ से ये डार्क होता था, यहाँ से ये डार्क होता था, फिर ये होता था, फिर ये यहाँ से इस तरह से बनते थे। तो इस यहाँ से हम लोग देखते थे कि यह पार्ट हमारा बाहरी भाग, यह पार्ट हमारा क्रिस्ट यानी कि शिखर हो रहा है, यहाँ से हमारा ये रूट हो रहा है और ये हमारा फ्लैंक हो रहा है, जो तिरछा आया हुआ है वो हमारा फ्लैंक हो रहा है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार होता है कि चूड़ियों से संबंधित निम्न को परिभाषित करें या निम्न पर प्रकाश डालें या निम्न क्या है उनके बारे में बताएं। 60 क्वेश्चन आंसर से संबंधित ये है। तो मूल क्या है यानी कि रूट क्या है, चूड़ियों के सबसे भीतरी भाग को हम लोग रूट कहते हैं यानी कि मूल कहेंगे, चूड़ियों के सबसे बाहरी भाग को हम लोग जो है क्रिस्ट कहते हैं, शिखर कहते हैं, और पार्श यानी कि फ्लैंक को जो हमारे थ्रेड में जो हमारा इंक्लाइंड इस तरह से आता है तो इस तरह से जो बनता है वो हमारा फ्लैंक होता है। तो रूट और शिखर के बीच की सतह को हम लोग फ्लैंक कहते हैं। ये जब नॉमिनी कल्चर का पढ़ाया गया था, थ्रेड का नॉमिनी कल्चर पढ़ाया गया था, तब उसमें ये सारे शब्दों और जितनी परिभाषाएं हैं उसमें मिलता है और उसमें बताया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कितना है, प्रश्न है चूड़ियों संबंधित परिभाषित करें। चूड़ियों से संबंधित चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें। संबंधित निम्न लिखित शब्दों को परिभाषित करें। क्या है चूड़ियों की गहराई, फर्स्ट क्या है चूड़ियों की
गहराई, चूड़ियों की गहराई। दूसरा हो रहा है चूड़ियों का कोण। चूड़ियों का कोण, डेप्थ ऑफ थ्रेड, एंगल ऑफ थ्रेड, यानी कि चूड़ियों की गहराई, डेप्थ। डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड और एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड, एंगल ऑफ थ्रेड आंसर। आंसर देखते हैं, चूड़ियों की गहराई। चूड़ियों पहले का, चूड़ियों की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्या है मूल और शिखर की लंबवत दूरी को, मूल और शिखर, मूल और शिखर की लंबवत दूरी को, की लंबवत लंबवत दूरी को लंबवत दूरी को क्या अगर दाहिने कोण पर मापा जाए, लंबवत दूरी को अगर दाहिने कोण पर मापा जाए, अगर दाहिने कोण पर मापा जाए, मापा जाए तो उसे जाए तो उसे तो उसे चूड़ियों की गहराई कहते हैं, तो उसे चूड़ियों की गहराई कहते हैं, तो उसे चूड़ियों की गहराई कहते हैं। सेकंड, चूड़ियों का कोण। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड यानी कि हो गया हमारा चूड़ियों की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड। अब हम देखते हैं चूड़ियों का कोण। चूड़ियों का कोण, चूड़ियों का कोण, एंगल ऑफ थ्रेड यानी कि एंगल ऑफ थ्रेड। एंगल ऑफ थ्रेड
एंगल ऑफ थ्रेड. चूड़ियों का कोण, ठीक है. चूड़ियों का कोण, चूड़ियों के पार्ट्स, चूड़ियों के पार्श्व, चूड़ियों के पार्श्व के बीच के कोण को के बीच के कोण को के बीच के कोण को चूड़ियों का कोण कहते हैं. का कोण, चूड़ियों का कोण कहते हैं, चूड़ियों का कोण कहते हैं. इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कि चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें. चूड़ियों की गहराई डेप्थ ऑफ थ्रेड और चूड़ियों का कोण एंगल ऑफ थ्रेड. ये क्वेश्चन था. आंसर इसका चूड़ियों की गहराई डेप्थ ऑफ थ्रेड, मूल और शिखर यानी कि रूट और क्रिस्ट, रूट और क्रिस्ट की लंबवत दूरी को, की लंबवत दूरी को अगर दाहिने कोण पर मापा जाए, अगर दाहिने कोण पर मापा जाए तो उसे चूड़ियों की गहराई कहेंगे, तो उसे चूड़ियों की गहराई कहेंगे. अब चूड़ियों का कोण क्या होता है देखते हैं. एंगल ऑफ थ्रेड क्या होता है? चूड़ियों के पार्श्व के बीच के कोण को, चूड़ियों के पार्श्व के बीच के कोण यानी कि जो चूड़ियां आती हैं इस तरह से भी आकार की, चूड़ियों के पार्श्व के बीच के कोण को चूड़ियों का कोण कहते हैं. कि वो चूड़ी कितने कोण पे बनी है, विभिन्न चूड़ियों के एंगल अलग अलग होते हैं, किसी का 60, किसी का 55, किसी का 29, 29.5, किसी का इस तरह से होता है. तो हम लोग देखते हैं कि ये चूड़ी जो है, यह क्वेश्चन जो है चूड़ियों के कोण का यह क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं. इसमें है चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें. चूड़ियों से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें.
शब्द कौन कौन से हैं? फर्स्ट शब्द क्या है? लघु व्यास, लघु व्यास, यानी कि माइनर डायमीटर, माइनर डायमीटर, और सेकंड है मेजर डायमीटर यानी कि दीर्घ व्यास, दीर्घ व्यास, मेजर, मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट का देखते हैं हम लोग। फर्स्ट है लघु व्यास। लघु व्यास जिसको कहेंगे माइनर डायमीटर, डायमीटर, माइनर डायमीटर। काल्पनिक सिलेंडर के मूल के काल्पनिक सिलेंडर के मूल के काल्पनिक सिलेंडर के मूल के के मूल के मूल के व्यास को के मूल के व्यास को लघु व्यास कहते हैं, को लघु व्यास, लघु व्यास नहीं जरी लिखना पड़ेगा, लघु व्यास को लघु व्यास कहते हैं, को लघु व्यास कहते हैं। सेकंड है दीर्घ व्यास। दीर्घ व्यास मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर, मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर काल्पनिक सिलेंडर के सिलेंडर के काल्पनिक सिलेंडर के शिखर के व्यास को, शिखर के व्यास को, के व्यास को दीर्घ व्यास कहते हैं, दीर्घ व्यास कहते हैं, दीर्घ व्यास
कहते है वो दीर्घ व्यास कहते हैं। लघु व्यास दीर्घ व्यास जैसे जिस तरह से हम लोग बनाते हैं अपने थ्रेड बनाते हैं, जो हमारे थ्रेड बनते हैं इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं जो हम लोगों का बनता है ये यहाँ यहाँ हाँ तो ये यहाँ से बाहर वाला ये हमारा जो होता है यह हमारा यह जो होता है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है यह हमारा मेजर मेजर डायरेक्ट यानी कि दीर्घ व्यास यह होता है यह जो होता है वो हमारा दीर्घ व्यास होता है यह दीर्घ व्यास होता है दीर्घ व्यास होता है। और ये जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो गया हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक जो गया हुआ है ये हमारा होता है लघु व्यास। ये हमारा होता है लघु व्यास। ये हमारा होता है लघु व्यास। ये हमारा दीर्घ व्यास, ये हमारा लघु व्यास और ये हमारा क्रेस्ट, ये रूट, ये फ्लैंक, ये एंगल, इस तरह के ये सब जो होते हैं वो हमारे अदर होते हैं। 60 डिग्री इस तरह से ये हमारा लघु व्यास और ये हमारा दीर्घ व्यास। लघु व्यास और ये दीर्घ व्यास हम लोगों का हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट आप लोगों को आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही है।